गाइस, सो आई एम ऑन माय वे टू माय कम्यूट एंड मेरा गाड़ी मैं अभी बताता हूँ कैसा है. इफ यू कैन सी ओवर हियर, इट हैज डन 263 किलोमीटर्स एंड माय टैंक इज कम्प्लीटली एम्प्टी. ये ब्लिंक हो रहा है, पूरा खत्म हो गया है. मैंने इसमें 1000 रुपीस का पेट्रोल भरा था और अभी सिर्फ 263 किलोमीटर्स में यह रिजर्व हिट गया. 2017 डोमिनर जो है, जो लाइफ हीलर भाई का है, उनका डोमिनर पे मैंने 384 किलोमीटर का माइलेज निकाला है ऑन अ फुल टैंक. एंड 2018 मॉडल में मैंने अराउंड 350 किलोमीटर का निकाला है. फर्स्ट सर्विस हुआ नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है यार. तो अभी मैंने फुल टैंक कराया है. 900 रुपये का मेरा फुल टैंक आया, पहले मेरा 1000 रुपये का आया था. फर्स्ट फुल टैंक में मुझे 11.5 लीटर मेरा पेट्रोल गया, यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल बचा हुआ था. तो 293 किलोमीटर चलता है 11.5 लीटर के पेट्रोल में. तो अभी हुआ है 531 किलोमीटर एंड मेरा गाड़ी लास्ट बार दिखा रहा है. मैंने टोटल 1900 का पेट्रोल डाला था और अभी 531 किलोमीटर ही चली है मेरी गाड़ी. बड़ी गाड़ी है जो भी है, लेकिन इतना कम माइलेज, इतना कम. इंजन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि मेरा जो दोस्त है अक्षय, उनका गाड़ी भी सेम फर्स्ट 2019 डोमिनर है एंड उनको इतना कम माइलेज नहीं आ रहा है, मुझे कैसे आ रहा है यार. मैं फिर से फुल टैंक करने की सोच रहा हूँ. इसमें कोई गोप्रो के फुटेज इसलिए नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्स चालू है गाइस एंड ऊपर से इलेक्शन है. इलेक्शन से मुझे एक चीज़ याद आया, पार्टी अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी पार्टी हो, नई हो, पुरानी हो, कोई भी पार्टी हो, इससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन वोट ज़रूर देना. मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी 21 ईयर्स का हूँ और मैं भी वोट दे रहा हूँ. मेरे ख्याल से 1 लीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने अभी खोल कर देखा था. तो अभी हम लोग पेट्रोल भरेंगे और देखेंगे कितना इसका टैंक आता है. फिर से 11.5 लीटर पेट्रोल आया है एंड 884, तो मैं 900 रुपये ही पकड़ता हूँ इसको भी. पहले भी मैंने 900 का डाला था, अभी मैंने 900 का डाला, इसके पहले मैंने 1000 रुपये का डाला था. तो 11.5 लीटर पेट्रोल में मेरी 560 किलोमीटर गाड़ी चली है.